रहे फोर्थ लड़ाई। पटना यूनिवर्सिटी के गेट का संयुक्त रूप से छात्र संगठनों ने मंगलवार को घेराव किया। इस दौरान घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, सड़क पर जाम लग गया और कई गाड़ियां उसमें फंस गई। छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही कर रहा है, कुलपति भ्रष्ट हो चुके हैं और छात्रों पर पैसे का दबाव बनाया जा रहा है। बीएड की फीस में बढ़ोतरी की जा रही है, इस वजह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आज विश्वविद्यालय में सीरेट की बैठक चल रही थी, जिसके बाद तमाम छात्र संगठनों ने बवाल किया। छात्र संगठनों ने सड़क पर टायर जलाकर रोड जाम किया। कई छात्र तो विश्वविद्यालय के गेट के ऊपर भी चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें नीचे उतारा। कई छात्र डपली बजाकर प्रदर्शन करते नजर आए। कुछ छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि यूनिवर्सिटी घाटे में है, इसकी वजह से बीएड की फीस 1800 से 1.5 लाख कर दी गई है। इस पर छात्रों ने जमकर विरोध किया तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे 2500 करने की बात कही, पर अब तक ऐसा हुआ नहीं है। सोचिए, गरीब छात्र जो दूर दूर से यहाँ पढ़ने आते हैं, वो कैसे पढ़ाई करेंगे? ऐसे में फीस में इतनी बढ़ोतरी हो रही है और छात्र काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव ने कहा कि अंदर सीनेट की बैठक चल रही है, इसमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और वो लोग हैं जो बीएड की फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अन्य छात्र ने बताया कि विश्वविद्यालय ने बजट में घाटा बताकर फीस बढ़ोतरी की है। यहाँ कोई दुकान चल रहा है क्या कि अगर विश्वविद्यालय को घाटा हो रहा है तो छात्रों से वसूला जाएगा? इसके लिए सरकार से भरपाई की मांग करें। छात्रों की फीस में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। अब आगे देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है, साथ ही क्या पटना यूनिवर्सिटी की फीस घटाई जाती है। लेकिन तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पे लड़ाई।